चुपचाप बैठी थी, बोल पड़ी, उठा लेना शेफाली, कितनी बार फोन कर चुका है वो, उसको नहीं पता था उसके अब्बू ऐसी बात करेंगे। शेफाली ने सुमन की बात को अनसुना कर दिया। अब तक यूसुफ, सुमन जो उसकी मुंह बोली बहन थी और शेफाली की रूम पार्टनर, उससे भी दरखास्त लगा चुका था, पर सुमन तो मानो बुद्ध सी हो गई थी। जिस यूसुफ को दिलो जान से चाहा, जिसके लिए अपने पिता, जो मां के जाने के बाद अक्सर बीमार ही चलते थे, राजी करके यूसुफ के अब्बू के पास भेजा, उनके साथ ऐसा व्यवहार कभी सोचा ना था। यूसुफ ने खुद तो कभी ऐसा कुछ ना कहा था उससे। होली पर खुद को रंग से पोत कर आता और सबसे नजरें चुराकर उसके चेहरे पर गुलाल मल जाता। दिवाली वाली रात पे उसकी गली में आके पटाखे फोड़ता था उसे नए सूट में देखने के खाते। और जब वो वैष्णो देवी गई थी ना जम्मू और प्रसाद लाई थी वहां से, तो कैसे बीन बीन के सूखे सेब खाए थे उसने, और उसे चिढ़ाते हुए हमेशा कहता, मुझे तो सूट और साड़ी में लड़कियां अच्छी लगती हैं, हिजाब में नहीं। और आज उसके सामने उसके अब्बू ने पिताजी से इतना कुछ बोल दिया, उससे कुछ कहते ना बना। यही है क्या उसका प्यार? और अगर है तो कैसा प्यार है ये? मोबाइल में 40 मिस कॉल हो चुकी थी। शेफाली का तकिया आंसुओं से तर हो चुका था। सुमन सो चुकी थी। उसने अब की बार फोन उठाया और रूंधे गले से बोली, अब भी कुछ कहने को रह गया है क्या? तुम्हारा होने से पहले तुम्हारे खुदा का होना है मुझे, यही चाहत है ना तुम्हारे अब्बू की? ऐसा तुमने तो कभी कुछ ना बोला था, ना बताया, पर आज जब पिताजी गए तो चुप रह के अपनी मौन स्वीकृति दे दी ना तुमने। क्यों किया ऐसा? तुम्हारे साथ होने के लिए कब पढ़ना है कलमा मुझे, बोलो। यूसुफ ने फोन पर उसकी आवाज सुनके एक गहरी सांस ली। उसे फिक्र हो रही थी वो कोई गलत कदम ना उठा ले। वो धीमी आवाज में बोला, मुझे मालूम ना था कि अब्बा ये बात करेंगे, मैं भी उतना ही हैरान रह गया था जितना तुम। उन्होंने मुझसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। शेफाली रुआसा होके बोली, और तुम क्या चाहते हो बताओ मुझे? मुझे नहीं बदलना कोई मजहब, और तुम चुप क्यों रहे तब? वो बोला, मैं जानता हूं मैं हिम्मत नहीं कर पाया उस वक्त, पर तुम तो जानती हो ना, ऐसा ही हूं मैं, अकेले कुछ भी नहीं कर पाता। तुम चाहिए होती हो मुझे फैसले लेने के। यूसुफ उसकी आवाज के दर्द को समझ रहा था। लड़कियां अपने पिता के बहुत करीब होती हैं। जो लड़की जमाने से लड़कर अपने पिता को तैयार करके शादी के लिए एक मुस्लिम परिवार में भेजी थी, वो उनके चेहरे की उस हताशा को देखकर कितना उदास हुई होगी वो समझ रहा था। यूसुफ बोला, कोई जरूरत नहीं है धर्म बदलने की, मैं सबसे बात कर लूंगा, तुम उदास मत हो, दुखी मत हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपना खुदा बदलो ना बदलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना खुदा नहीं बदल सकता, और मेरी खुदा तुम हो, और मेरा खुदा मुझसे नहीं रूठना चाहिए मेरा खुदा। धन्यवाद। रिकॉर्ड योर पोएट्री, शायरी, स्टोरी विद म्यूजिक ओनली ऑन नोजोटो ऐप। डाउनलोड द ऐप नाउ।